हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग लोकल यूज़र अकाउंट, जिसमें हम सीखेंगे कि लिनक्स में हम यूज़र को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इस वाले टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि इसको हम अच्छे से पढ़ सकें। एक और बात, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो मेरे ज़रूर देखें ताकि आज के इस वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हमारा आता है यूज़र ऐड कमांड। इस कमांड की हेल्प से हम लिनक्स में न्यू यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास जो होता है सुपर यूज़र का एक्सेस होना चाहिए। यूज़र ऐड के साथ हम कई सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हाइफन स्मॉल सी। इसकी हेल्प से हम यूज़र को उसका रियल नेम देते हैं और वो हमें जो होता है कमेंट फील्ड में शो होता है। उसके बाद आता है हाइफन स्मॉल जी। इसके हेल्प से हम यूज़र को प्राइमरी ग्रुप असाइन करते हैं। उसके बाद है हाइफन कैपिटल जी। इसके हेल्प से हम यूज़र को जो होता है सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी और सप्लीमेंट्री ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला वीडियो में ज़रूर देखें, उससे मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। उसके बाद आता है हाइफन स्मॉल डी। ये स्पेसिफाई करता है कि यूज़र का जो होम डायरेक्टरी है वो कहाँ पर होगा। उसके बाद है हाइफन स्मॉल एम। इसकी हेल्प से हम यूज़र के होम डायरेक्टरी को जो होता है चेंज कर सकते हैं। और इसको जो होता है जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं यूज़र की होम डायरेक्टरी तो इसको हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब इसको हमेशा हमें हाइफन डी के साथ यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है हाइफन एस। ये स्पेसिफाई करता है कि यूज़र का जो लॉगिन शेल है वो कैसा होगा। शेल टाइप कई टाइप के होते हैं, SH, बैश, KSH और ZSH। मैंने बताया था यूज़र ऐड के बारे में, जिसकी हेल्प से हम न्यू यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो यूज़र ऐड, देन द यूज़र का नेम, एंटर। अगर हमें चेक करना है कि यूज़र क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है तो जो था हम कौन सी फाइल को चेक करेंगे, /etc/passwd। मैं जो होता हूँ उसके लास्ट के 5 लाइन प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको, एंटर। तो यहाँ पर जो था आप चेक कर सकते हो नन वन जो होता है क्रिएट हो गया है। अब एक और कमांड होता है आईडी कमांड, जिसकी हेल्प से हम यूज़र का जो होता है यूज़र आईडी चेक कर सकते हैं और ग्रुप आईडी चेक कर सकते हैं और वो कौन कौन से ग्रुप में है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो आईडी, उसके बाद आता है यूज़र का नेम, एंटर। तो जो नन वन है उसका यूज़र आईडी है 1002, ग्रुप आईडी है 1002 और ये बताता है कि उसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है। जो मिडल में है वो बताता है कि उसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है। उसके बाद आता है वो कौन कौन से ग्रुप में है, वो सिर्फ एक ही ग्रुप में है, वो भी सिर्फ अपने वाले ग्रुप में। अब जो होता है मैं आपको हाइफन सी का यूज़ बताऊंगा, यूज़र ऐड नन टू हाइफन सी। इससे जो होता है हम रियल नेम देते हैं यूज़र को, IM NUN2, एंटर। मैं दोबारा से टेल कमांड रन करूंगा। यहाँ पर जो होता है आप चेक कर सकते हो IM NUN2, इसका रियल नेम जो होता है यहाँ पर शो होता है। अब इस वाले यूज़र के साथ जो होता है मैं आईडी कमांड रन करूँगा, NUN2, एंटर। यहाँ पर जो था आप चेक कर सकते हैं यूज़र आईडी क्या है 1002, यूज़र का नेम, ग्रुप आईडी क्या है 1003, NUN2। ये जो होता है NUN2 का प्राइमरी ग्रुप है, वो कौन कौन से ग्रुप में, वो सिर्फ एक ही ग्रुप में है, NUN2। अब जो होता है मैं आपको हाइफन स्मॉल जी का यूज़ बताऊँगा। इसकी हेल्प से हम जो होता है यूज़र को प्राइमरी ग्रुप असाइन करते हैं। जब भी कोई यूज़र क्रिएट होता है तो उसका जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो उसी के नेम से क्रिएट होता है। एग्जांपल, जैसे मैंने NUN2 यूज़र क्रिएट किया था, उसका प्राइमरी ग्रुप का भी नेम क्या था, NUN2। मैंने जो था NUN1 यूज़र को क्रिएट किया था, ऊपर जाऊंगा मैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं NUN1 का जो प्राइमरी ग्रुप है उसका भी नेम क्या है, NUN1। अब जो होता है मैं तीसरा यूज़र क्रिएट करूँगा, यूज़र ऐड NUN3, बट उसका प्राइमरी ग्रुप जो होता है मैं चाहता हूँ वो NUN2 रहे, वो NUN3 ना हो, NUN2 रहे। तो हाइफन जी के साथ मैं क्या लगाऊंगा, 1003, क्योंकि NUN2 का जो ग्रुप आईडी है वो है 1003। इसकी हेल्प से NUN3 जो होता है वो कौन से ग्रुप में जाएगा, वो जाएगा NUN2 में। तो 1003, एंटर। अब जो होता है मैं आईडी कमांड रन करूंगा इस वाले यूज़र के साथ, आईडी NUN3, एंटर। तो यहाँ पर जो होता है आप चेक कर सकते हो NUN3 का जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है, NUN2 ही है। अब जो होता है मैं हाइफन कैपिटल जी का यूज़ बताऊंगा, जिसकी हेल्प से हम यूज़र को जो होता है सप्लीमेंट्री ग्रुप
और सेकेंडरी ग्रुप में जो होता है ऐड कर सकते हैं। तो यूज़र ऐड नन फोर हाइफन कैपिटल जी, मैं चाहता हूँ ये ग्रुप में जाए नन में जाए और जो होता है प्रोजेक्ट में जाए, प्रोजेक्ट एंटर। अब जो होता है मैं नन फोर के साथ जो होता है कमांड रन करूँगा आईडी नन फोर, तो यहाँ पर जो होता है आप चेक कर सकते हैं नन फोर जो यूज़र है वो कौन कौन से ग्रुप में है, नन फोर में है, नन में है और प्रोजेक्ट जो होता है ग्रुप में है। तो ये तो हो जाते हैं हमारे सप्लीमेंट्री ग्रुप। ये जो होता है इसका प्राइमरी ग्रुप, मैंने प्राइमरी ग्रुप मीन्स हाइफन जी को जो था स्पेसिफाई नहीं किया था, इसीलिए उसी के यूज़र का नेम से एक और जो होता है ग्रुप बना और वो जो होता है उसका प्राइमरी ग्रुप है। अब लास्ट में जो होता है मैं आपको हाइफन एस का यूज़ बताऊंगा, जिससे जो होता है हम यूज़र को जो होता है शेल असाइन कर सकते हैं, लॉगिन शेल क्या होगा उसका। तो वो होता है यूज़र ऐड नन फाइव हाइफन एस, और इसका जो शेल है मैं रखना चाहता हूँ यू एस आर बिन जेड एस एच। अब जो होता है मैं टेल कमांड का यूज़ करूँगा और लास्ट के जो होता है पाँच लाइन पेंट करूँगा। तो यहाँ पर जो था हमने टोटल मिला के पाँच यूज़र जो था आज में क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर जो था आप सबका चेक कर सकते हो, जो शेल है वो सबसे लास्ट में शो होता है वो है बिन एस एच, बट मेरे वाले केस में जो होता है जो यूज़र का शेल है वो है जेड एस एच। क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो था यहाँ पर मैंने हाइफन एस के साथ जो था यूज़र बिन जेड एस एच लिखा था, इसलिए जो होता है यूज़र नन फाइव का जो होता है शेल कौन सा यूज़र बिन जेड एस एच। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इसके मेन पेज पर जा सकते हो, वो कैसे मेन यूज़र ऐड एंटर। तो यहाँ पर जो होता है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अगर इसको आपको क्विट करना है देन क्यू, यहाँ से जो होता है आप क्विट हो जाओगे। एक और बात, अभी तक हमने जितना भी यूज़र को क्रिएट किया है उसका जो होता है होम डायरेक्टरी नहीं बना होगा, क्योंकि लिनक्स में जो होता है बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र का होम डायरेक्टरी नहीं बनता है। एग्जांपल ls hyphen l होम grep करना है नन, तो यहाँ पर तो आप चेक कर सकते हो एक भी जो होता है नन नाम का फाइल नहीं है या फोल्डर नहीं है। ls होम तो यहाँ पर तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर नहीं है। तो वो जो था हम कैसे कर सकते हैं मैं वो बताने वाला हूँ। तो जब भी हम यूज़र को क्रिएट करते हैं नन सिक्स तो हमें जो था hyphen d का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने हाइफन डी के बारे में नहीं बताया था बट अब हमें जो था हाइफन डी को यूज़ करना पड़ेगा। यूज़र ऐड नन सिक्स हाइफन एम पहले रिमूव करना पड़ेगा, उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी होम नन सिक्स एंटर। अब जो था मैं यहाँ पर एल एस होम करूँगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसका जो होम डायरेक्टरी होता है वो क्रिएट हो गया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching the video.